गुजरात के सूरत शहर में हुए अग्निकांड के बाद कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने और ध्वस्त करने की मांग को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्यालय में देरी से बुलाने पर भड़क गए और अपनी नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और मेस में अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन रोक नहीं रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने की मांग उठाई गई है और जल्द ही अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। Come on.